नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू ए पीज आर इन द रेशियो ऑफ 7n plus 1 is to 4n plus 27 find the ratio of their 11th term हमारे पास दो सीरीज हैं और दोनों एपी में हैं उनके एन टर्म्स का जो सम है उनका रेशियो गिवन है सेवन एन प्लस वन इस टू फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन तो हम लोग दो सीरीज को पहले सीरीज को हम लोग एस वन लिखते हैं और उस सीरीज जो का जो एन टर्म्स का सम है उसका फर्स्ट टर्म है ए वन और कॉमन डिफरेंस है डी वन इसी प्रकार से दूसरा सीरीज जो एपी में है उसको एच टू लिखते हैं उसका फर्स्ट टर्म है ए टू और कॉमन डिफरेंस है डी टू तो एन टर्म्स का जो रेशियो होगा एस वन अपॉन एस टू इज इक्वल टू एन बाय टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन और दूसरे सीरीज का एन टर्म्स का सम होगा एन बाय टू टू ए टू प्लस एन माइनस वन डी टू और हमें एस वन अपॉन एस टू गिवन है सेवन एन प्लस वन अपॉन फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन तो यहां पर n बाय टू दोनों से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी वन अपॉन टू ए टू प्लस एन माइनस वन डी टू इज इक्वल टू सेवन एन प्लस वन अपॉन फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन हमें इलेवेंथ टर्म का रेशियो चाहिए दोनों सीरीज में तो इलेवेंथ टर्म जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा a प्लस टेन डी तो हम लोग इस सम को ऐसे लिखते हैं ए वन टू से ऊपर और टू से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करते हैं तो एन माइनस वन अपॉइंट टू डी वन ए टू एन माइनस वन अपॉइंट टू डी टू इज इक्वल टू सेवन एन प्लस वन अपॉन फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन और दो सम जो एपी में है उनका इलेवेंथ टर्म का हमें रेशियो चाहिए तो ये जो पार्ट है ये पार्ट टेन होना चाहिए तभी तो ए वन प्लस टेन डी वन अपॉन ए टू प्लस टेन डी टू आएगा अगर एन माइनस वन अपॉन टू टेन हो गया तो एन का वैल्यू ट्वेंटी वन हो जाए और एन का वैल्यू ट्वेंटी वन होगा तो ए वन प्लस टेन डी वन अपॉन ए टू प्लस टेन डी टू एन के जगह ट्वेंटी वन यहां पुट कर देते हैं सेवन इंटू ट्वेंटी वन प्लस वन अपॉन फोर इंटू ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी सेवन और ये क्या आएगा हमारे पास ये सम आ जाएगा ट्वेंटी वन इंटू सेवन इज वन फोर्टी सेवन प्लस वन वन फोर्टी एट ट्वेंटी वन इंटू फोर इज एटी फोर प्लस ट्वेंटी सेवन इज वन 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 तो हमारे पास इलेवन टर्म का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है वन फोर्टी एट अपॉन वन 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 और इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं थर्टी सेवन से थर्टी सेवन से इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो नीचे थ्री और ऊपर फोर तो टेंथ टर्म का रेशियो आ गया फोर बाय थ्री ये हमारा आंसर हो गया हमें सम का रेशियो गिवन था और टर्म का रेशियो निकालना था नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग सॉल्व द इक्वेशन एक्स प्लस वन एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सेवन एंड सो ऑन एक्स प्लस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू वन फिफ्टी फाइव सॉल्व द इक्वेशन का मतलब है एक्स के लिए सॉल्व करना है तो पहले हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ये लास्ट टर्म है एन एथ टर्म मान लेते हैं इसको एक्स प्लस ट्वेंटी एट को तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन एथ टर्म के जगह एक्स प्लस ट्वेंटी एट फर्स्ट टर्म के जगह एक्स प्लस वन प्लस एन माइनस वन और डी इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारे पास थ्री तो यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू एन माइनस वन इन थ्री तो एन इक्वल टू टेन आ गया और इन सबका सम दिया हुआ है वन फिफ्टी फाइव तो हम लोग फॉर्मूला लगाते, है, लगाते हैं एस एन इक्वल टू एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग तो टोटल सम दिया हुआ है वन फिफ्टी फाइव एन का वैल्यू टेन आया है तो टेन बाय टू फर्स्ट टर्म है हमारे पास एक्स प्लस वन और लास्ट टर्म है हमारे पास एक्स प्लस ट्वेंटी एट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो वन फिफ्टी फाइव अपॉन फाइव टेन और टू कैंसिल हो जाएगा तो यहां फाइव आएगा वो फाइव को नीचे लिया है मैंने टू एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन तो थर्टी वन आएगा फाइव से डिवाइड करेंगे माइनस ट्वेंटी नाइन इक्वल टू टू एक्स तो एक्स इक्वल टू टू बाय टू दैट इज वन तो एक्स के लिए सॉल्व करना था तो ये हमारा आंसर आ गया नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग इन एन ए पी इफ सम ऑफ पी टर्म इज क्यू एंड सम ऑफ क्यू टर्म इज पी देन फाइन सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म एक ए है तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले मान लेते हैं कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको मैंने कैपिटल ए ले लिया और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी ले लेंगे तो क्या बन जाएगा इसके अंदर एपी के लिए बनेगा सम ऑफ पीएथ टर्म तो पी बाय टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू ये एक इक्वेशन हो गया सेकेंड इक्वेशन सम ऑफ क्यूएथ टर्म से बनाते हैं q बाय टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके कैपिटल ए और कैपिटल डी की वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले पहले इक्वेशन का जो पी बाय टू है उसको राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास टू इधर और p नीचे सेम यहां से इसको हटाएंगे टू यहां और q नीचे अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वन माइनस टू से क्या आ जाएगा p माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू, टू क्यू बाय पी माइनस टू पी बाय क्यू अब यहां से सॉल्व करते हैं डी को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा डी पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू टू क्यू बाय पी माइनस टू पी बाय क्यू तो डी क्या आ जाएगा हमारे पास टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वेर अपॉन पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू तो d हो जाएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं टू q माइनस पी क्यू प्लस पी अपॉन पी क्यू पी माइनस क्यू और p माइनस क्यू का एक फैक्टर अगर ऊपर नीचे कैंसिल होगा तो यहां माइनस साइन लग जाएगा तो डी का वैल्यू आएगा माइनस टू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू यह हमारा डी आ गया डी की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग टू ए का वैल्यू निकाल लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो टू इज इक्वल टू टू क्यू बाय पी माइनस पी माइनस वन इंटू डी पहले इक्वेशन से लिखा ये अब डी की वैल्यू को पुट करते हैं टू क्यू बाई पी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी माइनस वन डी के अंदर माइनस है इसलिए प्लस किया पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू ये टू ए का वैल्यू आ गया अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म के लिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाय टू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी p प्लस क्यू बाई टू को एज इट इज रहने देते हैं 2a का वैल्यू अभी ऊपर हमने निकाला है 2a का वैल्यू यहां पर ये पुट कर देते हैं पूरे को तो क्या बनेगा 2 q बाय पी प्लस टू पी माइनस वन इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू ये टू ए का वैल्यू आया प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी का वैल्यू डी का वैल्यू हमारे पास यहां डी है और ऊपर यहां पर डी है उसको पुट करते हैं माइनस टू टाइम्स पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा सम ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाय टू अब हम लोग एक काम करते हैं टू क्यू बाय पी एज इट इज टू टाइम्स पी माइनस वन इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू सेकेंड टर्म इस टर्म को एज इट इज नीचे लिखा है मैंने अब एक काम करते हैं इसको मैं फिर से अरेंज कर रहा हूं माइनस टू पी प्लस क्यू माइनस वन पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू अब एक काम करेंगे एक बहुत ही अच्छा स्टेप है ध्यान देंगे ये p माइनस वन को p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करके अलग लिखेंगे और इस क्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करके अलग लिखेंगे उससे फायदा क्या होगा देखते हैं सम ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई टू टू क्यू बाय पी सेकेंड टर्म एज इट इज टू पी माइनस वन पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू अब हम लोग लिखते हैं माइनस टू पी माइनस वन पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू माइनस टू क्यू पी प्लस क्यू अपऑन पी क्यू मैंने इस टर्म से दो अलग अलग टर्म लिखा है इस टर्म से मैंने अभी बताया है एक्सप्लेन किया है उससे ये और ये ब्रेक किया है इससे फायदा क्या हुआ ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन रहा है सिंप्लीफिकेशन के लिए पी प्लस क्यू बाय टू टू क्यू बाय पी माइनस ये क्यू भी कैंसिल हो जाएगा ये क्यू कैंसिल होगा तो हमारे पास बनेगा माइनस टू पी प्लस क्यू अपॉन पी अब नीचे से पी बाहर आएगा टू क्यू माइनस टू पी माइनस टू क्यू टू क्यू कैंसिल हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन टू पी और यहां बनेगा माइनस टू पी और टू पी भी दोनों से कैंसिल होगा ये टू पी भी कैंसिल होगा तो समी प्लस क्यू एथ पी प्लस क्यू टर्म इज Minus of p plus q. This is final answer. That's it.